वेलकम टू द फिजिक्स क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. दैट इज वी इक्वल्स 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. पी इज हियर डाइपोल मोमेंट. पी इज हियर डाइपोल मोमेंट and theta will be given in the question upon r square. So there are some special conditions. If point is on axial line theta will be 0. If theta is 0, put 0, cos 0, 1. So potential will be on axial line 1/4πε0 p by r square. Okay? If point is on equatorial line, that is theta 90 degree, theta 90 cos 90 will be 0, so potential will be 0. So ek electric dipole ke इक्वेटर लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो. और एक्सियल लाइन पे 1/4πε0 p बाय आर स्क्वायर. ओके, और इफ पॉइंट इज एट एनी अनदर पॉइंट इट विल बी गिवन व्हाट इज द एंगल फॉर दैट पॉइंट. सो हियर इज द न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट ऑफ, इट मीन्स अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन विद डायपोल मोमेंट P is 2×10⁻¹ कूलम मीटर. What is P given? That is 2×10⁻¹ कूलम मीटर. डायपोल मोमेंट इज गिवन. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर. पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, 0.1 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. सबसे पहले एक्सियल लाइन पे निकालना है. एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 डिग्री. So what will be potential on axial line? That is the formula 1/4πε0 p upon r square. So moving to the putting the values 9×10⁻¹, 1/4πε0 ka value hai. P aapko given hai 2×10⁻¹, r square is 0.1 ka square. So it will be 18×10. Upar 9 पावर इधर थी, माइनस एट ये थी, तो 1 बचा 9×18, 0.1, इट मीन 0.01. 0.01 क्या लिखे, तो 180×1 और 100 ऊपर आ जाएगा. सो इट विल बिकम 18×10⁻³ वोल्ट. सो पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन इज 18×10⁻³ वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. Okay, so what will be the net potential on equatorial line? Equatorial line पे potential हमेशा किसी भी dipole के equatorial line पे potential कितना होता है? 0. Theta 90, cos 90 is 0. So what will be potential at a line making an angle of 60 degree with the dipole axis? 60 degree. So potential will be 1/4πε0 का value 9×10⁻¹ × P. P dipole moment हमें given ही है 2×10⁻¹ इंटू कॉस थीटा, cos 60 degree बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 0.1 का स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू हमें पता ही है सारे की, ये 9×10⁻¹ × 0.1, ये हमने वैल्यू निकाली ली 18×10³ इंटू cos 60. cos 60 की वही वैल्यू होगी जो sin 30 की होगी. cos 60 की वैल्यू वही होगी जो किसकी होगी? sin 30 की. और sin 30 की वैल्यू क्या बनती है? sin 0 0 होता है. ओके, सो 0/4 1/4 टेबल बनानी आती होगी शायद आपको, तो 1/4 हम लोग करें 1/2 इट विल बी. सो पुटिंग cos 60 इज इक्वल टू 1/2, सो इट विल बी 2 9s. सो पोटेंशियल अ पॉइंट लाइन जॉइनिंग 60 डिग्री विद द एक्सिस, दैट इज 9×10³ वोल्ट. वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल. सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. यही फॉर्मूलाज हैं एंड डायरेक्टली आपको एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या एंगल लाइन आपको गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर यूजिंग फॉर्मूलाज. ओके, so I will send an assignment to you for solving this. So do practice at home, stay home, stay safe. Thanks and nice.